गैस बनती है और एक बेस सॉल्युबल इन वाटर, बेस सॉल्युबल इन वाटर, कौन सा बेस होता है सॉल्युबल इन वाटर? NaOH। और जो बेसेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जो बेसेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अल्केली कहते हैं। ओके सो ओके इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर अल्केली प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस, इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। क्या इन्वॉल्व होता है बेटा इस प्रोसेस में? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। कैसे NaCl? बेसिकली ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। और ब्राइन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, यानी कि बेसिकली सोडियम क्लोराइड और वाटर का एक मिक्सचर रहेगा जिससे हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। द स्टेटस इज लाइक दिस। द सेटअप इज लाइक दिस। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एक कंटेनर लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा पानी और NaCl डाल देते हैं। अलोंग विद दैट हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं। जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एनोड। जिस इलेक्ट्रोड को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कैथोड। राइट, अब इन सॉल्यूशन क्या होगा? NaCl प्लस H2O वुड गिव मी NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ऐसा कैसे होता है बेटा? इन सॉल्यूशन NaCl ब्रेक डाउन हो जाएगा टू गिव Na प्लस एंड Cl माइनस। बाहर जाओ ना। ठीक है, जो वाटर है वो काय में ब्रेक डाउन हो जाएगा? H प्लस और OH माइनस। वाटर काय में ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा? H प्लस और OH माइनस। अब यहाँ ये वाला Na और ये वाला OH, ये वाला Na और ये वाला OH कंबाइन कर देंगे। ये वाला Na और ये वाला OH क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? NaOH बन जाएगा, Na प्लस प्लस OH माइनस वुड गिव मी NaOH। राइट, रुको अभी बाकी है। एट कैथोड, कैथोड क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल होता है तो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास क्या होता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए कैथोड पे कौन जाता है? H प्लस आयन्स जाते हैं। कितने? दो H प्लस आयन्स। अपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में से ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कैथोड से ले लेते हैं और H2 गैस फॉर्म करते हैं। सिमिलरली एट एनोड जो पॉजिटिव होता है इस पे क्या होता है? लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस पे क्या होते हैं? लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? दो Cl माइनस आयन्स जाते हैं, दो क्लोराइड माइनस आयन्स जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं? क्लोरीन गैस। और दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके किसको दे देते हैं? एनोड को। ये दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके एनोड को क्यों देते हैं? बिकॉज एनोड के पास वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कम होते हैं। अब क्योंकि एनोड के पास वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कम होते हैं, इसलिए वो क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन्स किससे ले लेता है? क्लोराइड आयन से ले लेता है।
है, दिस इज वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। NaBO3, NaHCO3 is basically sodium hydrogen carbon. It is sodium hydrogen कार्बोनेट, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, इसका केमिकल नेम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, इसका केमिकल नेम है। राइट। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होगा, इसका नॉर्मल नेम क्या होगा, कॉमन नेम बेकिंग सोडा क्या होगा। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमें बेसिकली कितने इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, चार। कितने कितने इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, चार, ठीक है। जिसमें से एक चीज ज्यादा ना बेटा, क्योंकि अगर ये सोडियम का सॉल्ट है, अगर ये सोडियम का सॉल्ट है, तो ये डेफिनेटली इसमें क्या लगेगा, NaCl तो लगेगा, ठीक है ना। इफ इट इज अ सॉल्ट ऑफ सोडियम, तो एक बात तो कंफर्म है, NaCl तो लगेगा। प्लस दो कॉमन चीज है, एक H2O और एक CH2। दो कॉमन चीज है, कौन सी, एक H2O और एक CO2। तो अब टोटल कितनी चीजें होंगी, तीन। पहला सोडियम का सॉल्ट है, तो NaCl तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा H2O और तीसरा CO2, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें तो लगेगी। एक्स्ट्रा ध्यान में क्या रखना है बेटा, द फोर्थ इंग्रेडिएंट दैट इज अमोनिया H3, दैट इज अमोनिया NH3। ओके राइट। नाउ जब हमारे पास क्या आ गया, NaCl आ गया, जब हमारे पास H2O आ गया, जब हमारे पास CO2 आ गया, और जब हमारे पास क्या आ गया, अमोनिया आ गया, तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बन गया, NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसके साथ क्या बना बेटा, NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड। राइट। बेटा क्या होता है, व्हाई डू वी फॉलो दिस प्रोसेस, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो होता है, अमोनियम क्लोराइड जो होता है, इससे रिसाइकल करके हम लोग फिर क्या निकाल सकते हो, अमोनिया निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोसेस बी यूज, ठीक है ना। तो ये इसका लैब प्रिपरेशन है, ये इसका कमर्शियल प्रिपरेशन भी है, प्लीज इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें क्या ध्यान रखने हैं, यूजेस, बिकॉज बेकिंग सोडा के यूजेस बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यूज बेकिंग सोडा का कहाँ होता है, इन बेकिंग, कहाँ होता है, इन बेकिंग, ठीक है ना। अब बेकिंग में आप लोग क्या सोच सकते हो, जो पकोड़ास बनाते हैं उसमें भी डलता है, जिनको हम लोग फ्रिटर्स बोलते हैं, या फिर जब हम लोग खमन और ढोकला टाइप की चीजें बनाते हैं उससे भी लगता है, या फिर जब हम लोग केक बनाते हैं तो भी लगता है, राइट। बेकिंग सोडा से बेसिकली हम लोग क्या बनाते हैं, बेकिंग पाउडर। नाउ व्हाट इज बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बेटे बात करें बेकिंग पाउडर की, तो बेकिंग पाउडर इज केमिकली दो चीजों का बना होता है, बेकिंग सोडा प्लस सम वीक एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, सम वीक एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, ओके। जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, दैट इज जब हम लोग NaHCO3 को हीट करेंगे, तो क्या होगा बेटा, अपॉन हीटिंग इट वुड रिलीज Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2। और ये जो CO2 होता है, ये कॉज होता है स्पॉन्जीनेस का, या फिर इट कॉजेस केक्स टू राइज। इस कारण से जो केक्स होते हैं या खमन होता है, ये सारे क्या होते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज वन थिंग। मूविंग ओवर टू सेकेंड थिंग, हम लोग अब जा रहे हैं दूसरी चीज।
है, दूसरा यूज कहाँ पर होता है बेटा? इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो पुराने तब जमाने के फायर एक्सटिंग्विशर आया करते थे, वो पुराने जमाने के फायर एक्सटिंग्विशर बेसिकली क्या करते थे? वो पुराने जमाने के फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा, दैट इज NaFCO3, और उसके ऊपर एक कांच की बॉटल लगी रहती थी एसिड की, जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बॉटल हुआ करती थी, जैसे ही आग लगती थी तो हम लोग क्या करते थे, नॉब को प्रेस करते थे, और जैसे ही हम लोग नॉब को क्या करते थे, प्रेस करते थे, ये एसिड की बॉटल फूट जाती थी। और जैसे ही ये एसिड की बॉटल टूट फूटती थी, ये किसके कॉन्टैक्ट में आ जाती थी? NaHCO3 के। किसके कॉन्टैक्ट में आ जाती थी? NaHCO3। और जैसे ही NaHCO3 के कॉन्टैक्ट में आती थी, तो एक रिएक्शन होती है जिसमें क्या बनता था, NaCl प्लस CO2 प्लस H2, राइट। अब ये जो CO2 होता था, ये बिकॉज इट इज हेवियर देन एयर, बिकॉज इट इज हेवियर देन एयर, ये क्या करता था? इट यूज टू कवर द कंबस्टेबल सब्सटेंस, कवर द कंबस्टेबल सब्सटेंस। और क्योंकि ये कंबस्टेबल सब्सटेंस को कवर कर लेता था, तो ये ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या करता था, कट कर देता था, कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एंड बिकॉज ये ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या करता था, कट ऑफ कर देता था, क्योंकि ये ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ कर देता था, तो बिना ऑक्सीजन के क्या नहीं हो सकता, आग नहीं लग सकती। और बिना ऑक्सीजन के क्योंकि आग नहीं लग सकती, तो इस कारण से क्या होती, फायर एक्सटिंग्विश हो जाती थी। ओके, और इसका जो थर्ड यूज होता है वो होता है एज एन एंटासिड। एज एन एंटासिड क्यों? बिकॉज अपने आप में जो NaOH होता है, जो अपने आप में क्या होता है, NaOH होता है, वो क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। क्या होता है? बेसिक सॉल्ट। और क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट होता है, तो ये क्या करता था, न्यूट्रलाइज एक्सेसिव एसिड, न्यूट्रलाइजेस एक्सेसिव एसिड इन स्टमक। इज दैट क्लियर? इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। राइट, तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया, हम लोगों ने बनाया वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हीट करके। जैसे हम लोगों ने NaHCO3 को हीट किया, तो हमारे पास क्या बन गया, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है ना। ये Na2CO3 जो यहाँ पर बना था, इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, पानी ऐड कर दिया, H2O ऐड कर दिया, तो इसके अंदर क्या ऐड होगा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होगा। और क्योंकि इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो गया, तो अभी क्या बन गया, वॉशिंग सोडा। अब हमें क्या ध्यान रखना है इसमें, सिर्फ इसके यूजेस। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ इसके यूजेस। तो इसका सबसे पहला यूज क्या होता है, इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। इसका दूसरा क्या यूज होता है, इन रिमूविंग, इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर। पानी के अंदर से परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के काम आता है। परमानेंट हार्डनेस का मतलब होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस, ठीक है। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस पानी में प्रेजेंट रहते हैं, तो पानी में क्या नहीं होता, फोम नहीं फॉर्म होता। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, पानी को, पानी में से ये हार्डनेस रिमूव करनी पड़ती है, जो बहुत बार किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। एंड इन मेकिंग सोडियम कंपाउंड, इन मेकिंग
सोडियम कंपाउंड्स लाइक बेकेलाइट एक्सेट्रा, बहुत सारे प्लास्टिक टाइप के कंपाउंड्स रहते हैं जो सोडियम के बनते हैं, वो भी इससे बनाए जाते हैं, राइट। एंड लास्टली लास्टली एज अ क्लिंजिंग एजेंट, एज अ, बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी क्या किसके काम आता है, सफाई के काम आता है, क्लीनिंग के काम आता है। इज इट क्लियर?